मैं हूं उदय प्रताप सिंह और मैं इस वक्त हूं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर के चुनाव यात्रा के लिए। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी करीब 22 लाख है, जिनमें 10.3% शहरी इलाकों में रहती है और 89.97% आबादी गाँव में रहती है। यहाँ एससी और एसटी करीब 16.82% है। हिंदू आबादी करीब 98.82% और मुस्लिम करीब 0.82% है। ईसाई करीब 0.05% है। 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 13 लाख मतदाता थे, जिनमें 72.83% लोगों ने वोट किया था। हमीरपुर शहर धर्मशाला शिमला मार्ग पर बसा एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। हमीरपुर को राजा हमीर चंद के नाम पर बसाया गया था। इस शहर का इतिहास कांगड़ा के कटोच राजवंश से जुड़ा हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही हमीर उत्सव के पारंपरिक त्योहार के लिए भी ये शहर जाना जाता है। हमीरपुर शहर झनियारी से भोटा तक फैला हुआ है और जिले का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। हमीरपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने इस सीट से पिछले 9 लोकसभा चुनावों में से 8 में जीत दर्ज की है। बीजेपी आखिरी बार 1996 में इस सीट पर कांग्रेस से हारी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे हैं। वो 2009 से इस सीट से लोकसभा सांसद हैं। 2008 में उन्होंने उपचुनाव से जीत का आगाज किया था। अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के नक्शे कदम पर चलते हुए अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार से सीट पर जीतते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सतपाल रेजादा से है। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। वो हिंदू राजपूत परिवार से हैं। वे प्रेम कुमार धूमल और शीला देवी के छोटे बेटे हैं। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी शादी 2002 में हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर की बेटी शेफाली ठाकुर से हुई। मई 2008 में पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने लोकसभा उपचुनाव जीता और 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर फिर से सांसद बने। उन्हें 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने लगातार 3 बार हमीरपुर सीट पर जीत दर्ज की। अनुराग ठाकुर मई 2015 से फरवरी 2017 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 19 जनवरी 2019 को वो संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले बीजेपी सांसद बने। 2019 में ही उन्हें वित्त और कॉर्पोरेट मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया। 2021 में मोदी कैबिनेट में बदलाव के बाद अनुराग ठाकुर को युवा मामले और खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। खेल मंत्रालय संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने टारगेट ओलम्पिक पोडियम, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी खेलों से जुड़ी हुई कई योजनाएं शुरू की। 2036 ओलंपिक खेलों की भारत को मेजबानी मिल सके, इसके लिए वो भारतीय ओलंपिक संघ मदद के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं, लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। बिलासपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने अनुराग ठाकुर पहुंचे। कड़कड़ाती धूप में भी बड़ी संख्या में लोग अपने नेता को सुनने के लिए पहुंचे थे। 300 इस बीच हम मार्केट की ओर निकले और लोगों से उनका मूड समझने की कोशिश की। हम इस वक्त बिलासपुर विधानसभा में हैं। वी गोइंग टू बी स्पीकिंग टू सम पीपल हियर। जानने की कोशिश करेंगे हमीरपुर लोकसभा के मतदाताओं के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। युवा है हमारे संग, आपसे पूछेंगे क्या कौन भारी है इस बार हमीरपुर में, कौन जीत रहा है? पता नहीं, क्या लग रहा है? बीजेपी हावी है, कांग्रेस, क्या लग रहा है? बीजेपी के साथ। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है यहाँ हमीरपुर में? हमीरपुर का क्या पूरे इसका ये इंडिया का ओनली मोदी, ओनली मोदी। हिमाचल वासियों को प्रेम है मोदी के संग। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पूरा। मगर विधानसभा में तो कांग्रेस को जिताया था। हाँ जी, विधानसभा में कांग्रेस की जिताया था। चलो गलती भी हो ही जाती है इंसान से, तो गलती थी, वो सुधारेंगे इस बार। हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में क्या कुछ यहाँ चल रहा है, आपसे जानेंगे। साहब, आपकी दुकान में तो बहुत से लोग आते होंगे दिन भर, क्या लग रहा है माहौल यहाँ किसकी तरफ है? माहौल दोनों की तरफ ही है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। टक्कर है, मगर क्या लग रहा है बीजेपी हावी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमीरपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या बताएं, ऐसे कुछ नहीं पता जी। कांग्रेस भी ठीक काम कर रही है यहाँ? दोनों ठीक है जी, दोनों पार्टियां डिप्लोमेटिक हैं दोनों की तरफ। ठीक है, आप बताइए साहब, क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या है? साहब ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया है, दोनों सब पार्टियां एक जैसी। विकास नहीं, क्या विकास हो पाया है यहाँ जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर विकास हो ही रहे जी, सारा कुछ हो ही रहा, हो ही रहा, हो रहा है। ठीक है, विकास हो रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं खुश हैं। एक डिप्लोमेटिक इंसान भी मिले, कह रहे हैं कि देखो टक्कर है बराबर यहाँ की। इस बार नया प्रत्याशी उतारा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने। आपसे पूछेंगे साहब, अच्छा आपका तो दिख ही गया यहाँ पे कि आप किसके साथ हैं, क्या लग रहा है इस बार हमीरपुर में दोबारा बीजेपी की जीत मिलेगी? कन्फर्म है, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। अच्छा अच्छा जी सर। अनुराग ठाकुर के साथ हैं आप? हाँ, उनका जुड़ाव का वजह क्या है यहाँ की जनता के संग? इतने सालों से वो जीत रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, सारे जिले काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, सब एक्सेट्रा बहुत सारे काम किए हैं। मगर कांग्रेस की जीत हुई थी विधानसभा में यहाँ पे, वो तो अलग मैटर है जी, वो तो मतलब जैसे की आप समझ सकते हैं उस टाइम ओबीएस की बोला उन्होंने, उन्होंने किया, हमने मानते इस बात को कि हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, करेंगे। ओपीएस की वजह से कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जीत हुई शायद वहाँ लोकल लेवल पे। आपसे पूछेंगे साहब, क्या लग रहा है इस बार हमीरपुर में क्या कुछ माहौल है, किस कौन हावी है किस पर? ऐसा ना जी, हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, शुरू से, मतलब हमारे पास कोई आयर ना आयर, मतलब अब तो हम तो पक्का ही है बस। ये लोकसभा कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसकी वजह क्या? यहाँ विकास हो पाए? विकास हाँ चलते रहे, चला चला रहे, जब इनके आए तो कुछ न कुछ होता रहा है। बाकी भी सुन लेते हैं, आप इतने कट्टर बीजेपी वोटर क्यों हैं, वजह बताइए। शुरू से पता नहीं, बचपन से हमारे दादा दादा बाबा सब सब बीजेपी की, बीजेपी। बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये और आवाजें लाएंगे आपके लिए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे हम। यहाँ हम मेन बाजार में घूम रहे हैं, ये समूह का मेन बाजार है, झंडूटा मंडल में पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बिलासपुर जिले में है। आपसे पूछेंगे साहब, क्या माहौल है इस बार यहाँ पे, क्या लग रहा है? अच्छा आपसे पूछेंगे, अंदर चलते हैं, आपसे पूछेंगे क्या माहौल है इस बार, कौन हावी है किस पर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है इस बार। वजह क्या है? वजह इन्होंने काम अच्छे करे इसलिए। यहाँ के सांसद ने भी या मोदी ने? दोनों ने, मोदी ने भी और सांसद ने भी। बीजेपी का ही है सर। हाँ जी, बीजेपी का ये कहीं ना कहीं गढ़ भी माना जाता है हमीरपुर लोकसभा और बिलासपुर भी, कहीं नड्डा जी भी, उनका भी निवास बहुत निकट में ही है, तो यहाँ बीजेपी का जुड़ाव जो है इसकी वजह क्या है? बीजेपी का जुड़ाव सर यहाँ पे ये है ना, जैसे हमारे कटवाल जी हैं लोकल एमएलए हैं, तो उनका काम भी अच्छा है, पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। एमएलए से खुश है, एमपी से खुश है, इस वजह से बीजेपी का साथ देंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। जी आपसे पूछेंगे, बताइए, अच्छा पट्टा तो भगवा पहन रखा है आपने, तो ये उम्मीद करें कि आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं, ये अब का नहीं है, ओके, इसको लगभग 20 साल हो गए इस पटके को हमारे पास, जब हम लगभग सोशली हुए हैं, तो इसका जब बोध हुआ तो उस समय से ही है, ये अब से नहीं है। ठीक है, भगवान तो उस समय से है, लेकिन अब जो है अब इस रंग की बुकत जो है वो बढ़ गई है। हाँ ये जरूर है। हाँ जी, तो सनातन की वजह से, आस्था की वजह से आप बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल, आस्था की वजह से, आस्था की वजह से। और यहाँ बीजेपी की जीत हो रही है? बिल्कुल, 100%। आपसे पूछेंगे, अच्छा आपने भी तो भाजपा का यहाँ लगा रखा है बैच, तो उम्मीद करते हैं कि आप बीजेपी के संग हैं? बिल्कुल, वजह के हम सनातन के हैं और धर्म को अपने जो कायम है हम, तो इसलिए हम जो है बीजेपी के साथ और बीजेपी सब करते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हैं शॉपिंग करने के लिए। मैम आपसे पूछेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है हमीरपुर में, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो कुछ नहीं बता सकते। आपका दिल क्या कह रहा है, कांग्रेस की बीजेपी? क्या लग रहा है, मोदी हावी है या फिर कोई और? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे घर घर में हमारी तो ड्यूटी लगी है, अभी येलो है, हम पर्चियां बांट रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है ऐसा, कुछ लोगों से कुछ वोटर्स में जागरूकता है, वोट देने आएंगे, जागरूक हैं वो आएंगे, पर ऐसा नहीं है, बता भाई अब किस तरफ है। नहीं, आप ऑफिसर भी हैं तो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, मगर आप जागरूकता फैला रही हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत से लोग आएंगे क्योंकि कई इलाकों में मतदान गिरा है। हाँ जी, नहीं देश के अन्य इलाकों में हमारे पिछले इलेक्शन में भी 80% से ऊपर ही हुआ है मतलब। हाँ जी, चलिए ये तो अफसर हैं तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, आप दीजिए। बीजेपी कांग्रेस क्या लग रहा है इस बार? ये तो हम जनता पर है, हम क्या बता सकते हैं, है ना। आपकी मन की बात क्या है? हमारे मन की तो अब मन में रहेगी, अभी उसी दिन बताएंगे। मोदी जी को पसंद करते हैं आप? यस करते हैं। राहुल गांधी को पसंद करते हैं? सबको पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे क्यों बोलना किसी को नहीं पसंद। काम हो पाया है, विकास हुआ है यहाँ आसपास? विकास तो है थोड़ा। मेन इश्यूज क्या है, मेन मुद्दे क्या है, क्या हल चाहेंगे आप? अब क्या पता है, एकदम से माइंड में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है ना। जी ठीक है, आपसे पूछेंगे मेन मुद्दे क्या है, मुद्दों के बारे में तो आप बता सकेंगी कि क्या और काम चाहेंगे यहाँ पे आप? अभी तो सर कुछ बता नहीं सकते है ना, ये तो बाद में लगता है पता भाई क्या होगा काम क्या नहीं होगा, पहले तो कुछ ऐसा है। विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ जी विकास तो हुआ है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का सर। हाँ जी, महिलाएं जो हैं बीजेपी के साथ हैं आपको लग रहा है? हाँ जी। मोदी जी की वजह से, अनुराग जी की वजह से, या मोदी जी की वजह से भी और अनुराग जी की वजह से भी। ये थे कुछ लोग जो हमसे बातचीत कर रहे थे और हम लगातार आपको ये आवाज़ें जो हैं, ये वॉइसेस जो हैं वो लाते रहेंगे। एक और सटा हुआ है यहाँ, कुछ और सटी हुई दुकानें हैं तो वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे। बाजार का इलाका बहुत बढ़िया इलाका होता है क्योंकि यहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी राय हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दवाई की दुकान में चलते हैं, पूछते हैं भाई साहब क्या है इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का ही है सर। बीजेपी का। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी ने हाँ इंजेक्शन लगा दिया है बीजेपी में। दवाई की दुकान है तो इस भाषा का, बट वजह क्या है कि बीजेपी के साथ यहाँ के लोग हैं, आप हैं? सर डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। हाँ जी सर, काफी हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाँ जी। अंधेरा घिर चुका था लेकिन केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। उनके बीच दरी पर बैठकर अनुराग ठाकुर ने समर्थकों के साथ फोटो भी खिंचवाई तो कई महिलाओं के साथ वे खुद सेल्फी क्लिक करते दिखे। लोगों में उत्साह देखते बन रहा था। इसके बाद फिर वो दूसरी चुनावी सभा में पहुंचे। यहाँ भी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, स्थानीय लोगों की खचाखच भीड़ थी। उन्हें संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जहाँ हमला बोला तो वहीं इस बार बीजेपी के 400 पार के नारे को भी दोहराया। आप याद करो 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, देश में घोटाले ही घोटाले थे, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, लड़खड़ा रही थी, मानो लगता था हमारा देश भी पाकिस्तान की तरह संकट में आ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था का भी कबाड़ा हो जाएगा। और हमने देशवासियों से कहा था एक बार अवसर नरेंद्र मोदी जी को दे दो, जैसे हमने गुजरात को चमकाया है, आगे बढ़ाया है, हमारे देश की तकदीर और तस्वीर को भी बदल सकते हैं। तो कांग्रेस ने कहा ये चाय बेचने वाला गरीब माँ का बेटा देश चलाएगा, ये पिछड़े समाज से आने वाला देश चलाएगा। लेकिन आप समझदार थे, आपने कांग्रेस की नहीं सुनी, भ्रष्ट कांग्रेस को आपने नकार दिया, ईमानदार मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपकी ईमानदारी, आपके ईमानदार वोट ने एक ईमानदार दमदार नेता को अवसर दिया। 10 साल भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोदी जी ने देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों को पछाड़कर जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी ने बनाया है। मोदी जी ने डबल सेंचुरी पहली बार लगा दी थी 282, ट्रिपल सेंचुरी दूसरी बार लगा दी 303, अब की बार 404। सुबह से हम अनुराग ठाकुर के साथ हमीरपुर लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके चुनावी जनसभा में साथ साथ रहे। हम इस वक्त है हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश, जो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह क्षेत्र है वो दोबारा यहाँ मैदान में है बीजेपी टिकट पर, और आप देख सकते हैं कि वक्त काफ़ी लेट हो चुका है मगर फिर भी बहुत भीड़ पहुँची है यहाँ अनुराग ठाकुर को सुनने के लिए। बहुत से लोग हैं यहाँ, काफ़ी ऊर्जा है लोगों में। अनुराग ठाकुर कह भी रहे थे अभी कि आज IPL फाइनल चल रहा है मगर इसके बावजूद बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मैम, वजह क्या है ये जो जुड़ाव आप बता रहे थे अनुराग ठाकुर जी के प्रति इतने सालों से हैं? धूमल जी पहले सांसद यहाँ रहे थे, तो जुड़ाव की वजह क्या है? एक तो यंग नेता हैं, ये बहुत यंग हैं, और उसके अलावा लाइक इनका जो स्पोर्ट्स के लिए जो इन्होंने किया है, हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा धर्मशाला में कितने मैचेस हो रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार है। फिर उसके बाद वंदे भारत जो हमारे यहाँ पे पहुँची है, उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो इनके माध्यम से इधर पहुँच रही हैं। तो कुछ और यहाँ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे हम। आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, आए हैं अनुराग जी के सपोर्ट में आज? हाँ जी सर। से आए हैं सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से खास आए हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। ये युवा का काफ़ी कनेक्ट है उनके साथ सर। सारा ग्रुप हमारा युवा का सर यहाँ पे अनुराग जी को सपोर्ट करने आया है। वो भी कह रहे थे IPL फाइनल नहीं देख रहे लोग, उनको देख रहे हैं। जी जी जी, सारे सर उनको यंगस्टर्स काफी फॉलो करते हैं और यहाँ पे सर हमारा पूरा बैच उनको सपोर्ट करना है। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पॉलिटिकल लीग। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, क्रिकेट के लिए काफी किया है उन्होंने यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत काफी किया है उन्होंने। कुछ लोग जो हमें बता रहे थे यूथ का कनेक्ट किस वजह से है। अनुराग ठाकुर की चुनावी कैंपेन का ये अंतिम पड़ाव था। सुबह से शाम होने तक वो 10 रैली और पब्लिक मीटिंग कर चुके थे। सुबह से अपने क्षेत्र में उनका चुनाव प्रचार लगातार जारी रहा। हमीरपुर से 4 बार के सांसद रहे अनुराग ठाकुर उतने ही उत्साह और ऊर्जा से लोगों से मिलते रहे। इसके बाद हम अगली जनसभा में पहुंचे। यहाँ भी लोग जोश और उत्साह से अनुराग ठाकुर के लिए नारे लगा रहे थे। दूर जहाँ तक नजर जा रही थी लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। समर्थकों से घिरे अनुराग ठाकुर से हमने भी मौका देखकर बातचीत की और जानना चाहा कि उनके लिए लोगों का जुनून इतना क्यों है। पूरे दिन हम रहे हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर बीजेपी सांसद और दोबारा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी के संग हम सीधा आपका संवाद करवाएंगे। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक चीज मुझे बहुत आपकी आज दिलचस्प लगी कि आपने ये उदाहरण दिया। निश्चित तौर पर, और बीजेपी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा जीतेगी, 6 की 6 विधानसभा जीतेगी। और ये लोगों का प्यार है जो अपने सब काम छोड़कर रात के 10 बजे तक यहाँ पर बैठे भी। शहरों में लोगों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये उत्साह, जोश और जुनून जो है ये मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार है। और जो काम यहाँ पर किया उसके बदले ये सब देखने को मिलता है। अब हमने देखा बहुत से लोगों ने जय श्री राम के नारे भी यहाँ लगाए। आस्था और श्री राम का मुद्दा कितना इस बार ज़रूरी है हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। देखिए, हमने वर्षों वर्षों से ये कहा कि जहाँ रामलला का जन्म हुआ वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा 30 साल कम समय नहीं होता। भाजपा ने इंतज़ार भी किया, मुकदमा भी जीता और रामलला का मंदिर भी बना। जिन लोगों ने विरोध करना था कांग्रेस, उन्होंने अपने नेताओं को वकील के रूप में भी खड़ा किया, हराने का प्रयास भी किया, लेकिन जीत रामलला की हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब इनके सहयोगी और ये लोग कहते हैं सनातन धर्म को कुचल देंगे, राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। क्या भाषा है? अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भाई, आप कौन हो? और हिंदू के इतने खिलाफ क्यों है, सनातन के इतने खिलाफ क्यों है? वो जनता में आक्रोश आपको नजर आता है। ये तुष्टिकरण की राजनीति जो है कि SC, ST, OBC का कोटा ले लो, दूसरे को दे दो, सबकी संपत्ति का ब्यौरा ले लो और वो भी दूसरे को दे दो, और राम मंदिर बनने के बाद आप इस पर बुलडोजर चला दो। तो आपको अगर एक ही जगह वोट लेना है तो आप खुल के बोलो। राहुल गांधी जी आज यहाँ आए स्टार प्रचारक के रूप में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। इम्पैक्ट उसका कुछ हुआ? हाँ, लोग बहुत हंस रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने 3 बार स्थान बदला। कभी एक स्थान, दूसरा स्थान, 15,000, 10,000, कुल मिला के फिर 3,000 वाली सभा वाली एक जगह चुनी और वहाँ पर मुश्किल से 2,000 कुर्सियाँ लगने के बाद 300-400 कुर्सी खाली रह जाए तो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पहले हाथ खड़े कर गई है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा और कैमरे पे भी बोलूँगा कि हमारे जो टीम मेंबर्स थे आज, वह यहाँ आ रहे थे, वो भी पहले हमीरपुर आए हैं, मैं भी यहाँ हमीरपुर आया हूँ। चलो मेरा तो अनुभव नहीं बताऊँगा, उनका ही बता देता हूँ। वो सड़कों को देख रहे थे, यहाँ का वातावरण को देख रहे थे, कहते यहाँ कितना विकास हुआ है, वाकई में चौंक गए थे। 5 साल बाद कुछ आए, मेरे ड्राइवर शायद 3 साल बाद आए। आप विकास के नाम पे लड़ रहे हैं चुनाव अनुराग जी? 100%। जब इतना काम किया है, एक ही लोकसभा क्षेत्र में पीजीआई का सैटेलाइट केंद्र हो, 2-2 मेडिकल कॉलेज हो, 1700 करोड़ का एम्स अस्पताल हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, 300 बिस्तर का एक अस्पताल के अलावा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बना दिए, डायलिसिस की सुविधा दे दी, ट्रॉमा सेंटर दे दिए और अनेकों बहुत सारे इक्विपमेंट सीटी MRI और ये सब मशीनों को दिया। ये पहले था ही नहीं जो हमने करके दिया। इसके अलावा मैंने 10 लाख लोगों को मुफ्त में जांच और उपचार अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करवा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल IIT खुलवा दिया, एनआईटी खुलवा दिया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवा दी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी खुलवा दी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलवा दी, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज खुलवा दिया, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज खुलवा दिया, ITI के कई इंस्टीट्यूशन खुलवा दिए, 6-6 केंद्रीय विद्यालय नए खुलवा दिए। और इसके अलावा हमने रेलवे लाइन जो कभी 45 मीटर कांग्रेस से नहीं बनी थी, हमने पूरा काम ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक करा दिया, 12 नई ट्रेनों को शुरू करा दिया। 4 लेन हाईवे 1000 करोड़ का हमने कीरतपुर से लेकर बिलासपुर का बना दिया और उसमें 3 घंटे का समय मात्र 35 मिनट का रह गया। 4 लेन हाईवे हमीरपुर से लेकर नूरपुर पठानकोट और हमीरपुर से शिमला का बन रहा, उसमें भी समय आधा रह जाएगा। लोग देखते हैं कि विकास क्या है। रेलवे लाइनें बिछ रही बिलासपुर की, तो लोग देखते हैं भाजपा आती है तो विकास होता है, कांग्रेस आती है तो विकास रुकता है। रैपिड फायर स्टाइल में अनुराग जी ने विकास कार्य गिना दिए, मगर आपकी चाह है कि और भी यहाँ काम हो आपके नेतृत्व में, आपका विजन सेट है अगले 5 सालों के लिए भी अगर आप जीते? देखिए ये तो अभी शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है, हमें संसदीय क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाना है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा साथ साथ यहाँ बड़े मुद्दे जो हैं कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया, फौजियों को हथियार क्यों नहीं खरीद कर दिए, रक्षा सौदों में घोटाला क्यों किया, कांग्रेस 370 वापस क्यों लाना चाहती है, फौजियों की और नागरिकों की हत्या को मजबूर क्यों करवाना चाहती है, सब लोग समझते हैं साहब। और राम मंदिर पे आप बुलडोजर क्यों चलवाना चाहते हो, पाकिस्तान के गुणगान कांग्रेस क्यों करती है, परमाणु हथियार हिंदुस्तान के क्यों नष्ट करना चाहते हो, ये सारे विषय जनता बहुत जागरूक है और देखती है कि एक और मोदी जी हैं जिनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दूसरी और कांग्रेस है जिनमें इंडी गठबंधन में सब जेल या बेल वाले हैं और अब ये नजर आता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं, 6-6 महीने के लिए सरकार चलाने। कांग्रेस पार्टी मगर यहाँ जीती थी विधानसभा चुनाव में, तो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस के हैं? मैं यही कहूँगा कि उसका हाल ये है कि जितने वायदे किए थे वो उसमें कुछ पूरा नहीं हुआ। न 1500 रुपया महीना महिलाओं को दिया, 16 महीने का 24,000 देनदारी है, 300 यूनिट बिजली के देने थे नहीं दिए, 2 रुपये किलो गोबर 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था नहीं खरीदा, 5 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी नहीं दी, मुकर गए, 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देने तो नहीं दिया, बागवानों को उचित दाम देने थे दुगने दाम वो भी नहीं दिए, तो दिया कुछ नहीं तो अब मिलेगा क्या। आखिरी सवाल आपसे क्योंकि समय कम है, अनुराग जी को आगे भी जाना है, लेट नाइट है मगर फिर भी ये मीटिंग्स अपने पर्सनल और स्ट्रेटेजिक जारी रख रहे हैं। आखिरी सवाल, चुनाव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपका आखिरी चरण में है, लंबा प्रचार रहा है, आपका गला भी बैठ रहा है मगर फिर भी आप डटे रहे हैं यहाँ पे, डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं लुकिंग बैक सर एट द इलेक्शन, बिकॉज आप हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हिमाचल तक सीमित रहे, यू बीन ऑल ओवर द कंट्री, डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं इस 2024 चुनाव के? देखिए मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व और दमदार सरकार चलाना, ये लोगों के सिर चढ़ पे बोल रहा है और लोगों को लगता है कि मोदी जी आएंगे तो हमारा भविष्य बनेगा, देश विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत बनाने के लोग कहते हैं माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से लगातार 4 बार से जीत रहे हैं लेकिन फिर भी अपने लोकसभा के हर क्षेत्र में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनका जुड़ाव कितना गहरा है इसकी झलक हमें उनकी हर जनसभा में दिख रही थी। देखना होगा अब कि कांग्रेस के सतपाल रेजादा को वो हरा पाते हैं या नहीं।